हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रीना। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं होली स्पेशल मालपुआ, रस से भरा हुआ। बनाना बिल्कुल आसान है, तो आइए बनाते हैं। मालपुआ बनाने के लिए यहां पर हमने एक बाउल लिए हैं और इसमें हम आटा लेंगे। ये गेहूं का आटा है, 1.5 कप आटा लेंगे हम। 4 से 5 इलायची को बारीक कूट करके ले लेंगे। ये हमने 1 कप दूध लिए हैं। अब हमें दूध को आटा में डालना है। आटा का एक घोल तैयार करना है। एक साथ पूरा दूध नहीं डालेंगे, दूध को थोड़ा थोड़ा हम करके आटा में डालेंगे ताकि लम्स ना पड़े। अब हमें इसे एक घोल बनाना है। घोल को हमें ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, घोल को हमें थिक बनाना है। दूध का हमने मेजरमेंट नहीं लिया था और ये आप देख सकते हैं, 1 कप यहाँ पर दूध हमने डाल दिए हैं और 1/2 कप दूध हमने और लिए हैं। आटा के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड का आटा है। बहुत सा आटा होता है कि कम दूध या पानी लगता है और बहुत सा आटा होता है ऐसा कि दूध और पानी ज़्यादा लगता है। और जो हमने 1/2 कप जो दूध लिए थे उसे भी हमने डाल दिए हैं। लगभग हम इसमें 500 ग्राम दूध डाल दिए हैं और आप ये घोल का कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट है। बैटर हमारा एक बार में अगर गिरता है चम्मच से उठाने के बाद तो समझे कि बैटर हमारा बहुत ही परफेक्ट बना है। चाशनी बनाने के लिए एक पैन लेंगे। 1.5 कप हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी का हमें चाशनी बनाना है। 1.5 कप चीनी के लिए 1 कप पानी डालेंगे। 1.5 कप हमने आटा लिए हैं तो 1.5 कप चीनी लिए हैं और 1 कप पानी डालेंगे। और चाशनी बनाना है इसका, तो इसे हमें तार वाला चाशनी नहीं बनाना है। पुआ तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से एक बार चाशनी वाला पुआ ज़रूर बनाएं। बनाना बहुत ही आसान है और ये आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से पिघल गया है और यहाँ पर खोलना स्टार्ट हो गया है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसे चलाते रहेंगे। चीनी जब चिपचिप करने लगेगा तो पता चल जाता है कि ये चाशनी जो है तैयार है। और ये आप देख सकते हैं चाशनी बन गया है। अब हम गैस से इसे नीचे उतार देंगे और थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तेल को हमने गरम कर लिए हैं और थोड़ा सा बैटर डालकर चेक करेंगे कि तेल गरम हुआ है कि नहीं। ये हमने मालपुआ का बैटर डाला है और ये आप देख सकते हैं बैटर डालने के बाद अपने आप कितना अच्छा मालपुआ का शेप हो गया है। अगर मालपुआ का बैटर अच्छा बना होगा तो शेप अपने आप बहुत परफेक्ट आएगा। और ये आप देख सकते हैं मालपुआ का शेप कितना अच्छा आया है। कढ़ाई में अगर स्पेस ज़्यादा हो तो एक साथ हम 3-4 पुआ निकाल सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये दूसरा मालपुआ भी मैंने डाल दिया है और इसका भी शेप बहुत अच्छा आया है। गैस का फ्लेम को हमें लो मीडियम रखना है, नहीं तो अंदर से पुआ कच्चा रह जाएगा। अब हम ये तीसरा बैटर भी डाल रहे हैं पुआ के लिए। एक साथ हम 3 पुआ बना सकते हैं। एक पुआ पक गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे और चाशनी में डालेंगे। चाशनी को हमें थोड़ा सा गुनगुना रखना है। अब हमें पुआ को चाशनी में अच्छे से डुबोना है ताकि चाशनी पुआ में अच्छे से एब्जॉर्ब कर जाए। ये दोनों पुआ भी पक गए हैं, अब हम इसे भी चाशनी में डालेंगे और सारे पुए को इसी प्रकार हम बना लेंगे। पुआ को चाशनी में डालने के बाद 10 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद हमें सर्व करना है। अब हम यहाँ पे एक सर्विंग प्लेट लिए हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और ये आप देख सकते हैं
मालपुआ हमारा चाशनी से भरा हुआ है। चाशनी वाला पुआ मुंह में जाने के बाद एकदम घुल जाता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। आज का रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके से मालपुआ बनाइए और खाइए, होली का आनंद उठाइए। कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।